हेलो ब्रियन, एक बार फिर से आप सभी के वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम जानने वाले हैं कि आप अपने कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो पिन है कैसे सेट कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने जो है कोटक बैंक का बेस क्रेडिट कार्ड का जो अनबॉक्सिंग है अपने चैनल पर डाल रखा है और इसके जो भी बेनिफिट्स वगैरह है उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम इसी क्रेडिट कार्ड का जो पिन है सेट करने वाले हैं और जो इसकी ट्रांजेक्शन्स है जैसे कि कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, इन सभी को इनेबल करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो आप सभी को और ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो अपने क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करने और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इनेबल करने के लिए जो कोटक बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसे आपने ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में जो इसका इंटरफेस है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। इस पेज के नीचे में आप देख सकते हो आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा क्रेडिट कार्ड का, तो इस क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पेज में फिर से आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट कार्ड सर्विस रिक्वेस्ट का, तो इस वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगले पेज में आपको इंस्टेंटली जनरेट पिन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आपने क्लिक कर देना है। तो आप जिस एम पिन के थ्रू इस एप्लीकेशन में लॉगिन होते हैं उस एम पिन को यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपके क्रेडिट कार्ड के कुछ डिजिट आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपने अपना एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेना है, CVV एंटर कर देना है, न्यू पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यानी न्यू पिन आपने एंटर कर देना है जो कि 6 डिजिट का आप एंटर कर सकते हो और उसी पिन को आपने कंफर्म कर देना है। नीचे में आपको सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक समरअप आ जाएगा और पेज के लास्ट में आपको कंफर्म रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके क्रेडिट कार्ड का जो पिन है सक्सेसफुली बन जाएगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हो न्यू पिन फॉर योर क्रेडिट कार्ड हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। बट अब तक पूरी तरह से काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि जब तक आप अपने क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन को इनेबल नहीं करेंगे तब तक आप उससे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने जाएंगे विदाउट उसे इनेबल किए हुए तो अभी आपको डिक्लाइन कर दिया जाएगा। तो उस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ फिर से होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन हम होम पेज के ऊपर आ चुके हैं, फिर से हम क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कार्ड ओवरव्यू का, तो इस कार्ड ओवरव्यू वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी, आपका वर्चुअल कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कार्ड कंट्रोल का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज एक्टिव हैं और क्या क्या आपको करना है। ऑनलाइन और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन देख सकते हो डिसेबल है, तो इसे हमें इनेबल करना है, तो इसे हम राइट की तरफ कर देंगे तो ये ग्रीन हो चुका है, इट मीन्स ये इनेबल हो गया। और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन भी डिसेबल है, तो इसे भी आप इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन करना नहीं होता तो मैं इसे डिसेबल ही कर देता हूं। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को भी आप चाहो तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन है इनेबल हो चुकी है। उसके बाद नीचे आपको कन्फर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, इस कन्फर्म वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। इतना करते ही अभी आप देख सकते हो हमारा जो क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह इनेबल हो चुका है। अब हम इस क्रेडिट कार्ड से कहीं भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी भी वॉलेट में लोड मनी कर सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे साइट पर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आपके पास भी कोटक बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड रिसीव हुआ है न्यू, तो उसका पिन आप सेट कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इस तरह से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।